हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंड चार्ल्स राधे बता लो, स्वागत है मेरे चार्ल्स में। अब दोस्तों, आज आपको मैं लोअर थर्म लेक्चर्स का कंप्लीट कराने वाला हूँ। मैं आपको इंट्रोडक्शन उसमें बस दिया था, इसलिए कि अगर आपको जानकारी मिल पाए कि मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो लोअर थर्म में आपको मैं आज ख़त्म ही करा दूँगा, 1 घंटा को या 45 मिनट को, जितना भी मिनट को आपको मैं आज ख़त्म करा दूँगा। और आप निश्चित रहिएगा, क्योंकि टॉपिक जल्दी जल्दी आपको कवरेज कराना है, क्योंकि काफ़ी इसमें बचा हुआ है और टाइम ज़्यादा नहीं है। आपको मैं चाह रहा हूँ कि मार्च तक हो सकता है तो कंप्लीट करा दूँगा, और फिर मैं पैसे आपको बस रिवीजन देने के लिए, तो रिवीजन भी मैं कराता रहूँगा और साथ में रिजल्ट भी कराऊँगा। अब बस मेरे साथ हम लेक्चर को लास्ट में तक जरूर बनिएगा। और जो भी मतलब नए स्टूडेंट हो तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे चैनल पर नहीं हो तो, और शेयर भी जरूर करना ताकि आपको वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो बात करते हैं दोस्तों कि लॉ के लेक्चर्स नहीं आ पा रहे, बहुत ऐसे भी इवेंट आते हैं। तो आज दोस्तों लॉ से लॉ के भी लेक्चर देने वाला हूँ, क्योंकि लॉ भी अब बहुत पीछे हो गया है। मैथ के चक्कर में आपको लॉ भी थोड़ा डालना टाइम कंज्यूम नहीं होता, इसलिए आपको मैं दिक्कत हो रहा है डालने में। कोई नहीं, आज फिर मैं उसको भी डालूँगा, क्योंकि डालेंगे तभी आपको मतलब फिर जल्दी ख़त्म कर पाओगे। मुझे भी पता है, इसीलिए आपको मैं कराऊँगा जरूर, उसको भी मैं आज लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूँगा आपको। तो आप पहले वाला लेक्चर तो आपको अच्छे लग रही हो, क्योंकि मैं उसमें डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जो पिछले लेक्चर जो मैं पढ़ा के, अब प्रीवियस का जो होता है ना, करके लिंक होगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए और पिछले लेक्चर इंट्रोडक्शन पर देखिए लगा था क्या है। आज उसके थ्योरम या लॉ बोल लो, मतलब रूल बोल लो, तो आप उसके साथ साथ में आज क्वेश्चन भी करने वाले, एक्सरसाइज भी करने वाले हैं, और इसी तरह हमारा ये टॉपिक्स भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मीन्स हमारा फर्स्ट चैप्टर्स में रेशियो इंडिसेस, रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉयर थर्म में चार आते हैं, चार ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा बचेगा जो आएगा नेक्स्ट चैप्टर, वो लास्ट के वीडियो में बताऊंगा, या जो जब पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा अगले लेक्चर्स में। तो ऐसे कुछ डरने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब आपको कवरेज में कराने वाला हूँ। तो चलिए सीधा आते हैं, आप भी बुक्स कॉपी और हर चीज़ निकालिए, हमें भी निकालते और साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना ज़रूरी है। कि कुछ भी कर ले, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप भी अब कॉपी और पेन साथ में निकालिए मेरे साथ, और करते हैं कुछ ऐसे स्टडी मटेरियल से। तो चलिए, आप लास्ट जोर बनेगा लोअर थर्म लेक्चर से, और काफ़ी ज़्यादा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे को नहीं आते लोअर थर्म कैसे क्या करना है, तो आज इस वीडियो में आपको हर चीज़ आ जाएगा। तो चलिए देखते रहिए लास्ट तक। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ तक के बस आपको इंट्रोडक्शन दे के छोड़ दिए थे, अब यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आपको ये दो फंडामेंटल्स लॉ पे बताइए, दो तो आपको पता चल गया था कि लॉग टू द बेस ए एम एन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन्स ये मल्टीप्लाई में है, तो फिर क्या होता है, लॉग टू द बेस एम प्लस लॉग टू द बेस एन एन। मीन्स आपको एक कॉमन चीज़ आ रहा होगा, मैं इंट्रोडक्शन में भी आपको बताए थे, अभी बता रहा हूँ। एक चीज़ में कॉमन क्या आ रहा है, कि जब हम इंडिसेस पढ़ रहे थे तो वहाँ पर क्या दिखा रहा था, कि अगर बेस सेम तो पावर क्या रहता है, जोड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसमें मल्टीप्लाई केस में कह रहा हूँ, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऐड हो रहा है, पावर ऐड नहीं हो रहा है, लॉग टू द बेस ए एम प्लस एन, और उसमें भी डिवाइड होगा तब पावर माइनस होता था, यहाँ पर भी क्या है माइनस। ये मतलब आपको इस एक ट्रिक मतलब याद करने को बताया हूँ। तो चलिए आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों आपके लिए, थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, तो थर्ड पॉइंट यही है आपको दोस्तों, कि अगर लॉग टू द बेस ए है और एम के पावर एन है, आपको याद है कि पावर के पावर क्या होता था इंडिसेस में, मल्टीप्लाई होता था ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब ये पावर सबसे ऊपर वाले हैं ना दोस्तों, जो भी पावर में आएगा ना, उसको हम आगे लिख देंगे, क्या करेंगे, आगे लिख देंगे, वो बचा क्या, लॉग टू द बेस एम, समझ आया। जो भी पावर में आएगा उसको हम क्या कैसे लिखेंगे, इस तरह लिख देंगे। चलिए आप एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, एक एक एग्जांपल भी आपको ले लेते हैं, कि ताकि समझ में भी आ जाए। तो आइए एग्जांपल्स ले लेते हैं, यहाँ पर साइड से भी एग्जांपल इसका ले लेते, पहले एग्जांपल्स मान लो दोस्तों, आपको यहाँ पर लॉग टू क्या दिया होगा दोस्तों, लॉग टू, और यहाँ पर क्या देगा, मान लो फाइव
इंटू सिक्स दिया होगा, तो मैं क्या लिखेंगे, लॉग टू फाइव प्लस लॉग टू द बेस सिक्स। ठीक है दोस्तों, अब तो समझ आ गया ना, बिल्कुल। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, बहुत ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको, बहुत समझ आते जाएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब आइए एक ऐसे इसका भी लेते हैं, लॉग टू द बेस है फॉर फाइव है सिक्स रहेगा, बेस है ना टू, तो हमारा डिवाइड केस में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, लॉग टू द फाइव, लॉग टू द बेस टू और सिक्स। बिल्कुल समझ आ रहा है, बिल्कुल यार आसान है, कोई इसमें आपको डरने कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट आइए, ये भी फॉर्मूला के बेसिस से क्वेश्चन लग कर देते हैं आपके लिए। इसमें भी बेस हम टू ले लेंगे और अब फाइव के पावर क्यूब है, फाइव के पावर क्या है, क्यूब है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं लॉग में, तो ये जब बताया था वो फॉर्मूला में, ये पावर जो होगा तो क्या आगे आ जाएगा और बाकी के बाकी तो सेम हो ही जाएगा। तो ये हमारा एम होगा, ए एन होगा, आपको मान के चलना पड़ेगा ना, जो भी फॉर्मूला में उसी के हिसाब से को मानना पड़ेगा तभी आपको समझ आएगा। तो ये आपको क्या हुआ, तीन रूल हुआ। और चौथे रूल में आते हैं दोस्तों, अब क्या आते हैं, चौथे रूल में आते हैं, चौथा रूल हमारा क्या है, चौथा रूल हमारा दोस्तों क्या है, अगर लॉग बेस में क्या है, जो दोस्तों एम लेकर रख रहा हो तो उसी तरह बढ़ाएंगे, बेस में आपको क्या है, मान लो बेस में आपको एम दिया है और एन लॉग टू द बेस एम, एन इज अब मल्टीप्लाई लॉग बेस में एन और एम, तो ए इज इक्वल टू वन होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, लॉग टू द बेस एम और एन मल्टीप्लाई लॉग टू द बेस एन और एम, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि मतलब वन हो गया ऐसे, आपको एक होगा ना, ये बेटा रूल है, ये क्या है, रूल है, इस जिस तरह का ना उस तरह हमको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है ना। अगर इसको तोड़ेगा तो वन कैसे, ये भी बता दो आपको प्रूव करके, देखिए आइए प्रूव करके दिखाता हूँ आपको, आपको यहीं पर दिखा रहा था प्रूव कर, नहीं तो यहीं रहा। देखिए दोस्तों, लॉग अभी एक आपको एक फॉर्मूला मैं भूल गया हूँ, नहीं बताया हूँ, देखिए अभी बता रहा हूँ, चलिए एक और रूल पढ़ लेता हूँ, फिर आपको मैं फॉर्मूला बताने में सही रहेगा ये इसका डिस्क्राइब करने में। आइए पहले फिफ्थ नंबर क्या आते हैं, रूल जान लेते हैं, फिफ्थ नंबर क्या जानते हैं, रूल जानते हैं पहले, क्या होता है दोस्तों, अगर लॉग टू द बेस एम और एस एन दे रखा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि log n by log upon m आप लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, log n upon by log m लिख सकते हैं, ये भी क्या है, logarithm का रूल है। तो यही चीज़ आपको इसमें डिस्क्राइब मिलेगा, देखिए log n upon by log m, जो भी पहले ऊपर होगा वो जो बेस वाला क्या रहेगा, नीचे log n इसकल टू, ये भी कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, तो हमारा क्या जाएगा वन, इसलिए ये क्या बनाया गया है, ये जो आपको फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिथम यानी कि जो रूल दे रखा है, इसीलिए इस तरह बनाया है, ठीक है, बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा, आ रहा है उसको समझ में, बिल्कुल समझ, आप इसको जो मान ले, मैं एम एन मान के सारे चल रहा हूँ, तो आपको एम एन मान के बता रहा हूँ कि आपको काफ़ी समझ आएगा। तो क्या और भी रूल है दोस्तों, क्या और भी रूल है इसमें, अब दोस्तों होगा या नहीं होगा आप क्वेश्चन करने से पता चलेगा, जैसे क्वेश्चन में कुछ नया देखेगा फिर मैं आपको क्या रूल बताऊंगा, क्योंकि जो भी बुक में लिखा है उस तरह आपको पढ़ाऊंगा तो समझ भी आएगा और काफ़ी ज़्यादा डीप में नॉलेज दे देंगे तो आप भी बोरिंग हो जाओगे, इसलिए जो भी डीप में नॉलेज वाला होगा वो डीप में नॉलेज देंगे और जो नहीं होगा जो सीधा हम पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं, क्वेश्चन वगैरह लगाते हैं, इसमें कैसे क्या होते हैं, ओके दोस्तों चलिए फिर आइए मेरे साथ। तो दोस्तों आपको याद है कि मैं यहाँ तक के सफ़र आपको तय कर दिया था, लॉगरिथम जो अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये हमारा ये क्या हो रहा है, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आपको डिफिनेशन भी बता दें कैसे क्या होता है, इंट्रोडक्शन हर चीज़ आपको कंप्लीट करा दिया, अब आते हैं नेक्स्ट पेज में एक्सरसाइज देखते हो दोस्तों।
तो आइए दोस्तों नेक्स्ट पेज एक्सरसाइज देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट पेज यही है ना, बिल्कुल यही है। तो क्या लिखा है दोस्तों इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन देखेंगे, बिल्कुल जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो आइए क्या लिखा है क्वेश्चन समझते हैं, फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, 2 के पावर 4 दे रखा है, इक्वल टू 60 लिख दिया है। मतलब तो इसको अगर लॉग में लिखेंगे तो कैसे लिखता है, लॉग 2 60 के वैल्यू करके आएगा 4। कैसे आएगा 4 आपको बता दूँ, आपको बता देता हूँ क्या लिखा है कि लॉग 2 बेस में 2 है और 16 अपॉन स्क्वायर कितना होगा, उसने 4 दे रखा। निकालते पहले कैसे होगा, उसने दे रखा था लेकिन हम निकाल कर वो दिखाते हैं। आइए इजकल टू, आपको क्या पढ़ाए थे पहले जो 16 के उसको क्या करेंगे एलसीएम करके तोड़ेंगे, तो 16 के क्या हो जाएगा एलसीएम आपको इधर दिखाता हूँ, 2 से 4 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 से 2 यानी कि आपको 2 साढ़े 2 आता है, 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 4, मीन्स यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के पावर 4। मतलब आपको पहले सीधी सीधी बता देते क्या लॉग 2 बेस में 2 आ रहा है, 2 के पावर क्या आ रहा है 4, यही है दोस्तों बिल्कुल यही है। अब आप एक अब फार्मूला आपको याद आ गया होगा कि जब पावर का पावर होता है लॉग में क्या होता है रूल, ये पावर वाला जो आगे ला देंगे 4 और लॉग और 2 और 2 यानी बेस में भी 2 और साथ में 2 है, तो एक रूल और बन के आता है दोस्तों। यहाँ पर आपको रूल क्या बन गया था, एक रूल और लिख लीजिए आप कि अगर बेस सेम होता है ना लॉग में तो हमारा वैल्यू क्या होता है 1 होता है। क्या होता है बेस और साथ में दिया होता है बेस के बराबर होता है तो क्या बोलते हैं वैल्यू, उसको 1 बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 और ये इतने बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है यहाँ पर मैं नंबर दे, लेकिन यहाँ पर नंबर ए बाई ए लिखा है, चलो ए बाई ए जो भी आएगा आपको बेस क्या आ जाएगा उसमें सेम होगा तो वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, 4:1 इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा आंसर 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है इस तरह आपको मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ अब, ठीक है। तो ये सब कैसे निकाल के देगा सब आपको इस एग्जाम्पल में इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब मिलेगा। तो आइए सर सीधा था मैं इलस्ट्रेशन में, इलस्ट्रेशन में आपको क्या दिया गया है, फर्स्ट और क्वेश्चन लॉग बेस में ए रूट 2 इजकल क्या है 1/6 था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो ये निकालते हैं दोस्तों क्या लिखा है क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में लिखा है आपको कि लॉग 2 है ना, लॉग ए है और √6 है सर, या √2 है, √2 इजकल टू 1/6 है, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए निकालना है। मतलब वो हमारा जो बेस में दिया है वो क्या है। तो आइए दोस्तों आइए आपको मैं एक ट्रिकली समझाऊंगा और क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, मान लो हम इसको बेस तो ए है ही है, ये √2 है, इसके क्या 2 के पावर 1/2 तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते। ओ भाई अगर रूट है अगर 4 दे रखा है तो हम सब 2 लिख देते हैं ना, तो 2 ये कैसे लिखते हैं पता है आपको, पहले ये 2 के स्क्वायर होता है और ये जब रूट होता है √1/2 होता है, तो 2 का इसलिए 2 होता है। तो ये अगर यहाँ पर बस √2 दे रखा है तो वो 2 के पावर 1/2 नहीं लिखते, हाँ इस चीज़ यार 2 के पावर 1/2 लिखते इक्वल टू 1/6 तो है ही है। क्या समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आएंगे आपको। आइए अब जब पावर होता है तो एक फार्मूला आपको याद आ गया होगा कि हम पावर आते हैं पावर के इधर साइड में लिख देते हैं और लॉग 2 और बेस में ए दो ये 1/6। ठीक है दोस्तों बिल्कुल ठीक है आपका। तो दोस्तों ये जो है ना यहाँ पर हम क्या ऐसे वैल्यू रखेंगे जो हमारा 1 = 1/6 आएगा लॉग कर जाएगा। तो दोस्तों हम एक लेट कर लेते हैं 1/2 लॉग
अब अगर टू वाले में है तो टू के हिसाब से रखेंगे कि जो हमारा कट भी जाए और जो भी हो के हमारा क्या आंसर आ जाएगा। तो नीचे एट ले देते हैं और बे जो हम एट मान ली लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एट, क्योंकि अब इक्वल टू 1/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है इक्वल करना पड़ेगा ना आपको। अगर समझ में आपको यहाँ पर भी एक फार्मूला बनने वाला है, अभी एक स्टेप बढ़ा देते हैं फिर बताऊँगा। 1/2 log ये तो है बेस में 2 इक्वल 1/3, सॉरी 2 की पावर 3 होगा ना, 1/3 इक्वल टू 1/6। पता आपको यहाँ पर क्या रूल बन रहा है? एक रूल क्या होता है कि दोस्तों कि अगर log ए दे रखा है और बी के पावर अगर एम है ना, बी के पावर क्या है एम है ना, क्या होता है जो पावर में ये बेस के पावर जो होता है ना आके ये 1/m हो जाएगा और log ये रहेगा बेस में बी रहेगा। अगर यहाँ पर 1/m हो तो सीधा यहाँ पर क्या हो जाएगा m हो जाएगा, ठीक है। आपको ये एक ध्यान रखना है। तो आइए ये 2 के पावर क्या है 3 है, तो इधर आ जाएगा तो 1/2 × 1/3 हो जाएगा दोस्तों। ये 2 था और किसके पावर हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा दोनों बराबर आएगा, तो 2 के पावर 3 करेंगे मान लिए थे मतलब 8, तो log 2 हो जाएगा बेस में भी 2 इक्वल टू 1/6 मीन्स 1/6, और ये दोनों जब बेस सेम है तो ये हमारा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, मीन्स हमारा जो भी लेट किए गए हमारा वो वैल्यू क्या है सेम है हमारा 1/6 इक्वल टू 1/6 आ गए, ठीक है दोस्तों। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्मार्ट ट्रिक लगाना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं, हम लोग क्या देते हैं दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। आइए फाइंड द लॉगरिथम 5832, द बेस कितने हैं 3√2 है, 5832। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर क्या है हमारा 2 है। क्या दिया है लॉग बेस में क्या देगा 3√2 है, 3√2 है, 3√2 है, और ये 5832 है। यहाँ पर दोस्तों पता है क्या करना पड़ेगा आपको, आपको यहाँ पर पहले ये 5832 नहीं, इसके एलसीएम लेते हैं। 5832 क्या है एलसीएम लेते हैं, लेकिन अगर आप एलसीएम तो लेंथी हो जाएगा और लॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक क्या है कैलकुलेटर ट्रिक करता है। जो ये हमारे 3√2 दे रखा है ना, ये हमारा बेस है, इसी के पावर में कुछ लेके आएंगे क्योंकि हमको बेस बेस मिलाना पड़ेगा तभी हमारा लॉग क्या आएगा हटेगा, ये ध्यान रखना जरूरी है। अगर बेस बेस मिलाऊंगा उसी नंबर में कितने मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करना हो उतने ही बेस के आधार में करेंगे, क्योंकि हमें लॉग हटाएंगे तब क्या आएगा मेरा वैल्यू आएगा, ठीक है। तो 3√2 यानी कि एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बार, 4 बार करते हैं, एक बार 3 × 3 × 3 × 3 चार हो गया कितना 81 आ रहा है। चले एक इसको हम साइड कर दे, 81 आप याद रखिएगा, और √2 है, √2 के 4 बार करने का मतलब क्या होगा यानी कि 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 यानी ये भी 4 बार हो रहा है, ये √2 है, 81 करेंगे तो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो 4 हम क्या करेंगे 6 से करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, 6 बार करने में कितना आ रहा है 7 × 2 = 9, ये 3 को हो गया। अब ये √2 है ना, जो √2 के भी 6 बार करेंगे 3 बार, 6√2 करेंगे तो 3 निकल के आएगा ना 2, तो 2 × 2 × 2 कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो और 7 × 2 = 9 निकला था हमारा 3 के 6 बार, और ये हो जाएगा 8, तो हमारा कितना रहा है 5832 आ रहा है ना। तो ये हमारा मतलब मैच खा रहा है कितने से कि 6 बार में, कितने बार में 6 बार में, कहने मतलब क्या हुआ कि log 3√2 है और 5832 में, तो 3√2 के हम लोग क्या आ रहा है 6 बार में आ रहा है, तो हमारा तभी तो बेस सेम करना पड़ेगा ये पावर में, तो इधर आ जाएगा log 3√2 और बेस में भी 3√2, ये कट के हमारा क्या आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है।
बस ये आपको ध्यान रखना है, कुछ था इसमें नहीं था, कितने स्मार्ट रहेगा और ट्रिक सिखा दे, ये आपको यही सीखना है इस वीडियो में। तो ये हो गया आपका दो एग्जाम प्रेजेंटेशन, ये आपको रूल सिखाए थे, ये रूल्स आपको इसमें दे रखा है। उसके बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर टू पे हो, ये देखिए ये आपको एक क्वेश्चन आया है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ कितना है 70 28 टू द बेस कितना है 2√3 है, ये दे रखा है ना, कोई नहीं इसमें भी करेंगे आपको, लेकिन आपको सेम है, एक बात बोलूँ आपको सेम है। कैसे सेम है, वहाँ पर कितना दे रखा था 5 8 3 2 दे रखा था और 3√3 है, यहाँ पर 2√3 और 70 20 है, मैं कैलकुलेटर से कर दूँ, आ जाइए दोस्तों मैं कैलकुलेट करता हूँ, यानी क्या रखा है 2√3, यानी कि 2 के अब पहले 4 बार करते हैं 2 × 2 3 4 16 आ रहा है, और √3 की 4 बार करें मतलब 2 2 × 3 = 4 होगा, 2 × √4 करें 2 ही मल्टीप्लाई होगा ना, 3 × 3 कितना 9 होगा, और 2 के पावर 4 = 16 यानी कि हमारा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे 6 से करेंगे, तो 2 × 2 × 3 × 4 × 5 = 6 6 बार हो गया दोस्तों, और √3 के 4 करने मतलब क्या होगा कि 3 बार 3 से मतलब मल्टीप्लाई 1 बार 3 से, 2 बार 3 से और 3 बार 3 से कितना आया 70 28 आई मीन्स 2√3 के होल के पार करना 6 होगा, तो ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पर 6 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम हो जाएगा, तो मतलब 2√3 होगा तो बेस सेम दोनों हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो 6 आंसर आ गया। ये जो है ये सॉल्व करते हैं, नीचे वाला क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ये आपके लिए क्या है नया है, क्या लिखा है कि 1/2 log 25 − 2 log 10 3 + 3 log 18 डन है, उतना ही क्वेश्चन देके आपको बहुत आसान तरीके सिखाने वाला हूँ। तो ये हमारा क्या दोस्तों क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था ना बिल्कुल यही था, चलिए इसको हम करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे ताकि आपको समझ आए, जैसे जैसे फावला पड़ा तो उसी के बेस में करेंगे। तो दोस्तों 1/2 तब मतलब दे रखा है, लॉग में बेस में क्या है 10 है, जो 25 यानी 5 के स्क्वायर तो हो जाएगा ना, 5 के स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ना बिल्कुल, माइनस दोस्तों ये 2 है, इसको हम क्या करते हैं ये जो 2 दे रखा है ना, तो हम इसको क्या कर स्क्वायर हो जाएगा, जैसे आपको बताया था ना कि अगर लॉग ए के पावर बी सॉरी बेस में तो ये ही है, अगर m के पावर n होगा ठीक है दोस्तों, तो हम क्या लिखते हैं n log बेस में m लिखते कि नहीं, तो सीधी साधा अब ऐसे दे रखा है तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अगर ऐसे देखो तो ऐसे तो लिख ही सकते हैं बिल्कुल, तो इसको क्या लिखे log बेस में 2 और 3 के पावर क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, और इसमें कुछ उतना दे नहीं रखा है तो log 18 हो जाएगा बेस में 10, समझ आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल समझ आ रहा होगा, इसमें आपको कुछ ऐसे कराए नहीं कि जो नहीं समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों अब ये जब पावर में होता है तो पावर के पावर क्या होता है, तो ये वाला हमारा क्या ये भी आपको फार्मूला पर आए थे, ये वाला 2 क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा आगे आ जाएगा, तो 1/2 × 2 इधर आ गया log 5 और बेस में 10 माइनस 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा log 9 हो जाएगा बेस में 10 हो जाएगा प्लस log 18 बेस में 10, समझ आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल समझ आ रहा होगा आपको। यहाँ पर जो 2 था इसको हम स्क्वायर में लेते हैं, यहाँ पर स्क्वायर करके हम आगे लेते हैं, और पहले से 1/2 दे रखा था, ये हमारा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया log 5 10 माइनस log 9/10 द बेस और log 18 बेस 10 ठीक है दोस्तों, आ गया ये क्या करना है दोस्तों, और जो पॉजिटिव है ना प्लस है ना उसको आगे लें, क्यों लाएंगे इसलिए लाएंगे कि हमें आपको एक रूल बताए थे आपको कि अगर log ए एम है मल्टीप्लाई log
सॉरी क्या मैंने आपको लिख दिया, देखो एक प्रूल आपको पढ़ते हैं कि लॉग बेस में ए और एम एन है तो क्या लिखते थे, क्या लिखते थे दोस्तों, यहाँ बता दे, ये लिखते थे ना लॉग बेस एम और मल्टीप्लाई लॉग बेस में ए और एन, ये लिखते थे ना। अब हम लोग का ये दिया है तो क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर ऐसे दे रखा है बेस सेम है और एम इन टू एन मीन्स जो भी नंबर दे रहा है वो ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह होते, इस तरह लिख सकते हैं, ऐसे होगा तो ऐसे, जब भी जल्द पड़ेगा जिसका उसी तरह लिखेंगे ना, ठीक है। तो आ जाइए, तो इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ इधर आगे आपको लेके आता हूँ, नहीं लेके आओ फिर भी बन जाएगा, ऐसे कुछ दिक्कत, लेकिन आपको आसान लगेगा। 510 प्लस लॉग 18 और ये माइनस लॉग 9/10, तो 9/10 लो बेस पे 10, तो ये क्या हो जाएगा, बेस तो हमारा वही रहेगा तभी हम कर पा रहे, बेस नहीं रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा 5 × 18 हो जाएगा, माइनस लॉग 9/10। आपको एक और समझ आ रहा होगा, ये भी बेस में सेम है, एक और रूल पड़ा था वो था कि अगर डिवाइड वाला में केस होगा तो माइनस होता था, होता था, तो जब ये माइनस है तो क्या इसको डिवाइड में वाला लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारा लॉग बेस में 10 तो है ही है और ये हमारा क्या जाएगा 5 × 18 अपॉन में 9 हो जाएगा। क्या आपको समझ आ रहा है, क्या आपको समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है, क्योंकि भाई ये जब ये मल्टीप्लाई के सॉरी ये प्लस है, ये जब प्लस होता था तो लोग क्या ऐसे लिख देते थे, तो क्या अगर माइनस है तो हम डिवाइड में लेंगे, फार्मूला तो पढ़े थे आपको पता है रूल्स, तो हाँ तो फिर अब आइए ऐसे लिख दे, मैं आपको अपन में डालने जगह माइनस तो डिवाइड में 9 × 18 जगह हट क्या होता है लॉग 10 मीन्स लॉग बेस में भी 10 है, बेस में 10 और ये 5 × 10 भी हमारा मीन्स बेस अगर सेम है तो हमारा उसका बेस अगर सेम है तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बिल्कुल आपको समझ आया कि नहीं, बहुत आसान तरीके से आपको मैं समझा दिया, ये क्वेश्चन आपको भी कंप्लीट हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आपको याद हो रहा है ये वाला मैं रूल बता रहा चेंज ऑफ बेस करके लिखा है कि अगर लॉग बेस में बी हो रहे तो ऐसे आप लिख सकते हो एम बाई बी, किया था ना आपको, बिल्कुल किया था। अब आते एग्जाम्पल्स दिया होगा कहीं पर तो आपको मैं कराना चाहता हूँ, ये देखिए एग्जाम्पल्स दे रखा है चेंज ऑफ द बेस लॉग 5 बेस में 5/31 इंटू द बेस, तो क्या होगा यार दोस्तों इसमें तो कुछ आपको है ही नहीं है, तो ये आपको क्या बताएं, लेकिन फिर भी दिया है तो आपको समझाना तो पड़ेगा ही, तो आइए लिखते हैं। आपको दोस्तों क्वेश्चन आपको यही दे रखा है लॉग 31 है और 5 है, आपको क्वेश्चन एक दे रखा है दोस्तों, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है दे रखा है, इसी को करना दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। आपको फार्मूला ही पता था कि अगर लॉग 31 बाय लॉग 5 लिख देना है, अगर कुछ नहीं है तो आपको बेस में क्या मानना पड़ता है दोस्तों 10 मानना पड़ता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लॉग टू द बेस में दे सकते हैं, ठीक है, इसको इसी तरह आपको रिप्रेजेंट कर देना है, इसमें कुछ आपको दिक्कत है ही नहीं। आते अगले क्वेश्चन पर क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन हमारा क्या है वो फिर आपको मैं करता हूँ दोस्तों। अब आ गया हम एग्जाम्पल्स नंबर 2 में, प्रूफ डेट क्या करना है, प्रूफ डेट क्या करना है लॉग बेस में 3 है और 8 है, लॉग टू बेस 9/60 लॉग और बेस में 4/10 इसको 3 लॉग, और ये आपको प्रूफ करना है, मतलब LHS इतना है, LHS आपको इतना प्रूफ करना है। आइए दोस्तों इसको भी प्रूफ करके देखते हैं, ये थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या क्या किया, लेकिन मैं आपको सही और स्मार्ट तरीके से बता रहा हूँ, ओके दोस्तों चलिए करते हैं फिर। तो आइए दोस्तों इसको हम करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल यही है, तो LHS करके लिख देते हैं, ठीक है। आइए आपको सिंपल तरीका से पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप पढ़े थे उसी तरह से मैं बताने वाला हूँ। लॉग बेस में 3 और 8 का 2^3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये लॉग 9 है तो जो 9 है तो 3 के पावर
लोएस्ट टर्म में करेंगे तभी तो आपको फिर जो कटने वाला कटेगा, जो बेस सेम कराना है उसको बेस सेम करेंगे 3 के पावर। और ये ऊपर भी 16 दे रखा है, इसको भी 2 के पावर 4 कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बेस में पावर है, ये बेस के पावर ही है, जो साथ में दिया उसका पावर है। लोग ये भी 4 है तो इसका भी स्क्वायर हो ही जाएगा, तो 2 के स्क्वायर का तो 10 है, तो इसका तो कुछ आपका होगा ही नहीं, log 10 के log 10 कर देते हैं। आइए दोस्तों आगे, अब ये पावर दिया तो पावर के आगे लिख देते 3 log 2 बेस में 3, नीचे क्या हो जाएगा, ये अगर बेस के पावर देखा है तो अगर 1/2 तो यहाँ पर 1/2 होगा, और इसका भी पावर 4 है तो ये मल्टीप्ल यानी आगे लिखा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा log 2 के बेस 3। समझ आ रहा है दोस्तों? बिल्कुल समझ आ रहा है। अब इसको भी कर सकते हैं आप, इसको क्या करेंगे, एक ए वन टर्म हो गया, ये भी हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई में ही है तो 1/2 हो जाएगा log 10 के बेस में 2। ये दोस्तों बिल्कुल यही है। क्या समझ आ रहा है आपको, क्या समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल समझ आ रहा है आपको दोस्तों। एक चीज़ कटने वाला जैसे दिख रहा होगा, कटने वाला जैसे दिख रहा है आपको ना, बिल्कुल दिख रहा होगा, लेकिन अभी आपको तार नहीं करने वाले, साथ में जरूर बताऊंगा कैसे कटना है। तो आइए दोस्तों फिर बताते हैं आपको, 3 log 2/3 log 3 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर ये जब हटता है तो हमारा बेस क्या होता है, 10 होता है जब भी, ठीक है, जब भी ऐसे आप करोगे ना तो वहाँ पर बेस हमारा क्या है वो 10 हो जाता है। नीचे क्या डिवाइड में ये 2 2 जगह आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 log 2/log 3 ऐसे हो जाएगा ना, बेस में हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बिल्कुल 10 हो जाएगा। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे दोस्तों, ये मतलब बताइए, बिल्कुल आ रहे हैं आपको, आ रहे हैं ना, बिल्कुल आ रहे। और ये क्या हो जाएगा 1/2 log 10/log 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका log 2 हो जाएगा ना, बेस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इधर भी सॉरी इधर भी आपको नहीं दिखा था, इधर भी 10 हो जाएगा और इधर भी 10 हो जाएगा बेस में, ओके। अब ये डिवाइड में तो ऊपर जाएगा क्या होगा, पलट जाएगा पूरा, बिल्कुल 3 log 2/10 log 3/10 multiply log 10^3 और ये 2 log 2/10 into और ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, 1/2 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब log 2/10 ये हुआ दोस्तों अपन में log 10/10, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो आपको समझ, ये एल है दोस्तों लॉग है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो अब कटअप कीजिए, कटअप किसे किसे होगा, ये भी मिल रहा है, ये भी कट गया और ये टू नहीं कट, ये log 2 इधर 2 होता तो फिर आपको कटने में मुश्किल होता, लेकिन इस साइड में उसके लिए करिए log 2/10 में बेस में ये भी कट जाएगा, आपका बच रहा है इसमें 3 और 2, मीन्स ये 2 से ये भी 2 कर जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब आपको क्या बच रहा है, बस तो यही रहा है कि ऊपर 3 बच रहा है, 3 log 2/10 और 2/log 10 बे बेस में। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, जब बेस के बेस और बेस और साथ में सेम होता है तो क्या होता है 1 हो जाता है, बेस के साथ में जो भी मैच करेगा वो सेम होगा तो क्या हो जाएगा वैल्यू 1 हो जाएगा, मीन्स हमारा 3 log 2/10 हमारा क्या हो गया आ गया दोस्तों। कितने आसान तरीके से समझाए, कोई आपको फार्मूला बस आपको याद है उसी तरह के बेस में आपको मैं बताते चल रहा हूँ, इतना तो आपको ध्यान होगा ही, बस आपको यही बात आपको ध्यान में रखना है, जब भी मतलब फार्मूला आपको याद है उसी तरीके से बेस में आप चलते रहो तो हर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
दोस्तों मैं एक और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वो क्या है कि दो एक लॉ के वैल्यू, उसको आपको याद करना है, कभी कल क्वेश्चन आ जाते हैं। वो आपको क्या है मैं भी बताता हूँ। और दोस्तों यह है कि लॉग टू के वैल्यू कितने होते हैं और लॉग फाइव के वैल्यू कितने होते हैं, ये आपको बेस का वैल्यू याद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्वेश्चंस अगर आएगा ना तो डायरेक्ट भी ऐसे आ सकता है कि लॉग फाइव के वैल्यू दे रखा है, लॉग टू क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन दे रहा है, फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पर आपको लॉग टू के वैल्यू अगर नहीं भी देगा तो आपको याद करना है, या पूछ देगा लॉग टू के वैल्यू कितना है तो ऑप्शन में चार दे देगा, फिर चार ऑप्शन में जो भी दे देगा तो आपको 0.3010 आपको इसका वैल्यू है, ये आपका लॉग टू क्या है वैल्यू है। और लॉग फाइव का वैल्यू कितना है 0.6990, ये आपको दो याद करना है लॉग के वैल्यू, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन करते आगे, ये चीज़ आएगा ना आपको, तो ये ध्यान में रखना है कि इसका वैल्यू इतना है 0.6990 लॉग फाइव के, और लॉग टू का वैल्यू क्या है 0.3010। आपको देखिए कैसे इधर समझा रखे रेशनल बिटी इंडिसिजन लेवल, उसी तरह आपको मतलब कंसेप्ट देता है ना, कि अगर वो पता है तो आपको इसमें ये करना है, उसमें बेस मतलब पावर रेट होता है, इसमें बेस लॉ के बेस सेम है तो हम पावर क्या जो भी मल्टीप्लाई उसको क्या करते हैं ऐड करते हैं, ठीक है। ये दे रखे आपको, तो ये सब आपको प्रूफ के इसका आपको जरूरत नहीं है, जो आपको जरूरत मैं करा ही रहा हूँ। ये जो पावर मतलब होता तो आगे लिखते, तो यही सब आपको रूल बता देते पहले क्वेश्चन कराने से पहले। सीधा आते हैं हम क्वेश्चन में, आपको बहुत रूल में बता दिया हूँ, बस आपको क्वेश्चन क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमारा क्या है एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स नंबर वन, हर में वन क्यों देखा है, क्यों रूल आ रहे हैं जैसे लेसन्स कैसे इंटीसीएल हो गए थे वो देखा है। तो वहाँ पर एग्जाम्पल एक ऐसे हर मतलब अगर टॉपिक न्यू आ रहा है लॉ दिखा रहे तो वहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखना, इसका कार तो बहुत रहे लेकिन आपको वन वन दिखने ऐसे कुछ नहीं। तो क्या लिखा है, फाइंड द लॉगरिथम थ्योरम ऑफ 64 टू बेस 2√2। क्या इतना इजी आपको बता दिया है, ये तो कैलकुलेटर से आप कर सकते हो, जो बताया था आपको बेस में 2√2 दे रखा और हमें चाहिए कितने 64, एक बार 4 से कर दे तो पहले 2√2 दे 2 कर दे 4 कितना होगा 16 हो गया, और 2√2 के 4 कर गया 2√2 यानी मल्टीप्लाई 2 2 64, यानी कि 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बेस सेम हो जाएगा तो 4 क्या हो जाएगा आंसर होगा। ये तो समझ रहे, जैसे 5832 वाला जो समझाया था एक समझाया था उसी तरीका से सारे उसको करने के लिए आप लोग लेकिन करना जरूर कॉपी में, अगर नहीं आएगा तो फिर कमेंट आप कीजिए, फिर मैं इसको क्वेश्चन के जब वीडियो बनाऊंगा कोई लेक्चर कराऊंगा तो उसमें एक डाल दूंगा ये, ओके। एग्जाम्पल नंबर टू देखिए, एग्जाम्पल नंबर टू में क्या लिखा है कि लॉग बेस में ए बी वाई सी इक्वल टू एक्स है, लॉग बेस में बी ए सी इक्वल टू वाई है, लॉग सी है ए बी इक्वल टू जेड, प्रूव डेट क्या प्रूव करना है कि क्या 1x + 1, 1y + 1, 1z + 1 = 1 क्या वास्तव में होगा, तो आपको ए प्रूव करना है। तो आइए मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, यही करना है ना आपको प्रूव। दोस्तों आपको क्वेश्चन यही दे रखा है ना, बिल्कुल क्वेश्चन हमारा क्या है यही है। तो आइए कोई दिक्कत नहीं पढ़ते, फिर क्वेश्चन हमारा है कि इफ लॉग इतना ही देगा तो 1x + 1, y + 1, 1z + 1 ये निकाल। आइए LHS करके करते हैं, x + 1 तो x हमारा कितना दे रखा है, यही सारी चीज़ करना। तो पहले दोस्तों क्या करते हैं, ये x + 1, y + 1 उसको बाद में अपन लिखते हैं, x + 1 अगर निकालेंगे तो कितना होगा, x + 1 निकालेंगे तो x की वैल्यू कितना है log बेस में और बी वाई सी प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यही होगा ना, यही होगा ना आपको, बिल्कुल यही होगा। पहले ये निकाल लेते हैं फिर अगला निकालेंगे तब आपको फिर समझ आएगा सारे। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉग बेस में क्या है ए और बी सी, जो ये प्लस वन दे रखा है, हम वन किस टाइम समय लिखते हैं कि जब हमारा बेस से मैच खाते सेम होता तो क्या लिखते थे, वन लिखते थे ना, तो हम इसमें बेस क्या है ए है, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं लॉग ए बाई ए। फिर आपको चेंज करो क्या, वहाँ पर आप तो 2/2 भी लिख सकते थे,
जो भी लिख सकते थे, क्योंकि मिलाना बेसिस से मिलाना है तो जो भी लिख सकते। लेकिन दोस्तों जो हमारा ये साइड में भी दे रखा है ना, उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका बेस क्या था? ए था ना, इसीलिए मैं वहाँ पर क्या लिखा? ए लिखा, ठीक है। ये बात, जब ये अगर बेस सेम है और एक पॉजिटिव में दे रखा है, यानी प्लस दे रखा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। यानी कि बी सी ए मीन्स लॉग ए बी सी। समझ आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल है। ये हमारा तो x प्लस वन के ये हो गया, और y प्लस वन के इसी तरह निकालोगे आप, y प्लस वन के भी निकालोगे। लॉग कितना दे रखा है? b और c a प्लस वन, यही होगा ना? बिल्कुल, इसलिए y क्या हो गया? प्लस वन। इसमें भी अब आप इसमें आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बी बेस है तो हम इसमें बी लिखेंगे। आप तो समझ आ गया? बिल्कुल, आपका हो गया लॉग बी और सी ए बी, यानी कि ये भी लॉग बी में ए बी सी आ रहा। इन जेड के भी इसी तरह आएगा आपको, बिल्कुल आएगा। तो जब इसी तरह आ रहे हैं तो आप क्या एक और बात सिखाओ, तो सीधा आप जाके पुट कर दीजिए इसमें वैल्यू कर दें। बिल्कुल, आइए वन बाई एक्स प्लस वन यानी कितना आ रहा है? लॉग बेस में ए बी सी आ रहा है, और वाई वाला में क्या आ रहा है? लॉग बेस में बी आ रहा है और ए बी सी आ रहा है। तो जेड में बेस आई होगा वन बाई लॉग में सी आ रहा है और ए बी सी आ रहा है, यही होगा ना? बिल्कुल यही होगा। जब मैं पुट करें दोस्तों इसी का है, तब क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे अब इसको मैं करें दोस्तों अब इसको हम क्या करेंगे देखिए, वन बाई लॉग ए बी सी बाई लॉग ए, बिल्कुल लिखते थे तो है ये बात, प्लस इसको भी उसी तरह लिखे लॉग ए बी सी अपन बाई लॉग बी, ओके, प्लस में वन बाई लॉग ए बी सी अपन में लॉग सी, और जब अपन में तो ये वाला क्या चल जाएगा? ऊपर हो जाएगा लॉग ए बाई लॉग ए बी सी प्लस लॉग बी बाई लॉग ए बी सी प्लस लॉग सी बाई लॉग ए बी सी, ठीक है ना? ये जो प्लस वगैरह इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल लॉग में क्या हो जाएगा? लॉग क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉग, जब हम इसको एलसीएम लेंगे लॉग ए बी सी, तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी होगा ना? बिल्कुल होगा। अब ये प्लस में है तो उसको क्या करेंगे इस तरीके से, लॉग ए बी सी बिल्कुल लिख सकते हैं, और नीचे क्या है? लॉग ए बी सी मीन्स ये दोनों कर जाएगा अपना, लॉग ए बी सी ऊपर हो गया, नीचे भी लॉग ए बी सी हो गया, हमारा कर जाएगा, हमारा क्या वन हो गया। क्या प्रूव कर दिए? बिल्कुल कर दिए, इतने आसान तरीके से किए, जल्दीबाजी कोई ना, आराम आराम से आपको ये समझ आ गया होगा। बिल्कुल, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नहीं आएगा तो पीछे भी स्किप कर देखिए, और उससे भी नहीं आ रहा तो इंट्रोडक्शन मेरा देखिए, और उससे भी नहीं आ रहा तो फिर आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। तो ये आपको कैसे डायरेक्ट करिए किया होगा, किसकी छोट इतना छोटा में करें, लेकिन आपको कितना मैंने समझाया स्टेप बाई स्टेप। आइए एग्जाम्पल्स नंबर थ्री है, उसके बाद आपको क्या आ जाएगा? एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगा, ये एक्सरसाइज दिख रहा है आपको, एक्सरसाइज मिलेगा। तो आइए एग्जाम्पल्स नंबर थ्री, एग्जाम्पल्स नंबर थ्री में खास ऐसे कुछ नहीं देखे। ए इसको कितना है? लॉग बेस में 24 12, बी इसको टू लॉग में बेस में 36 24, एंड सी इसको टू लॉग 48 36। इसमें भी बहुत आसान है, प्रूव क्या करें, वन प्लस ए बी सी इसको टू क्या 2 बी सी होगा कि नहीं होगा, यही आपको प्रूव करना है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन यही दे रखा है ना दोस्तों, बिल्कुल क्वेश्चन आपको यही रखा है, हमें प्रूव क्या करना है, वन प्लस ए बी इसको क्या 2 बी सी होता है कि नहीं होता है, ये आपको प्रूव करना है। तो आइए दोस्तों LHS करके करते हैं फिर, ठीक। वन प्लस ए कितना है? इतना है लिखिए,
तो आइए दोस्तों, ए कितना है, लॉग बेस में 24 ट्रू है, और बी कितना है, ए बी सी मल्टीप्लाई में ही है ना, लॉग 36 बेस में और 24 इंटू लॉग बेस में होती है 36, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस लॉग 12 बाय 24, बिल्कुल ही सोते हैं, याद है ना आपको, बिल्कुल लॉग 24 अपन बाय लॉग 36 मल्टीप्लाई लॉग 36 अपन बाय लॉग 48, या जो आप कट रहा है उसको हम काट देंगे, बिल्कुल। और ये तो 20 होता है, इससे किसी का पावर होता नहीं, इसलिए हम साइड में लिखते नहीं, इसलिए फिर जब ऐसे नहीं हो तो आपको ये ऐसे करना ज़रूरी है ही है, लॉग 24 से लॉग 24 कर जाएगा, ठीक है, और भी कोई कटेगा, बिल्कुल 36 से भी 36 जा रहे हैं, तो हमारा बच क्या आ रहा है, 1 प्लस लॉग बाई लॉग 48, कहने का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस लॉग 12 बेस में 48, बिल्कुल ऐसे होता है तो ऐसे होता तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे होगा तो ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं, समझ आ रहे हैं दोस्तों, ओके। आइए फिर ये 1 है, 1 के वहाँ पर आपको जब प्रूफ किया था तो बताया था ना, अब बेस में जो है उसी के हिसाब से लिखे, तो लॉग 48 बाई 48 करेंगे प्लस लॉग 12 बाई 48 करेंगे, क्या समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है दोस्तों। तो आइए अब बेस सेम हो रहा है और एड में, तो लॉग 48 इंटू 12 यही होगा दोस्तों, बिल्कुल यही होगा। आइए इस तरफ करते हैं, कितना दिया था, लॉग 48 बेस में और 48 इंटू 12, अब क्या करें दोस्तों, ये जो है ना 48 इसको अब तोड़ेंगे, मीन्स एलसीएम लेंगे, ओके। तो आइए दोस्तों क्या लिख रहा था यहाँ पर हम लोग का, लॉग 48 दोस्तों, लॉग बेस में 48 है, ये हम दोनों को मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, 576 आएगा, मतलब 576, यानी कि 48 इंटू कितना 12, 576 आएगा, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम, लेकिन एलसीएम हमें क्या प्रूव करना है वो भी आपको साथ में ध्यान रखना जरूरी होता है, तो हमें 2BC करना था प्रूव, कहाँ गया 2BC, तो एक इसमें आपको याद भी करना पड़ेगा और ध्यान भी रखना पड़ेगा कि 576 है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, 2 हमें लाना है, इसको जो भी करेंगे तो हमारा स्क्वायर में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए, तो किसके स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576 के रूट निकाल दीजिए, 24 आ रहा है, ये 576 हो गया ना, तो लॉग 24 के स्क्वायर करेंगे और नीचे 48 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 लॉग 24 बाई 48 आ गया ना। अब यहाँ करेंगे 2BC कैसे हो गया, 2 तो हमारा आ गया, और BC कैसे आ गया, मीन्स लॉग 24 बाई 48 है, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई लॉग 2 log 24 अपन में 36 इंटू लॉग 36 अपन में log 48, क्योंकि ये फिर कर रहे हैं तो फिर सेम आ जाएगा ना, ये क्यों कर रहा है कि हमें सी चाहिए ना, इसलिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, 2 और इसका बी के वैल्यू इतना है, 2BC और सी की वैल्यू इतना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आपको बस इतना ही ध्यान रखना और इसमें कुछ था ही नहीं दोस्तों। अब आ गए हम एक्सरसाइज में, अब क्या आ गया एक्सरसाइज में, क्या लिखा है, लॉग 6 प्लस लॉग 5 इज एक्सप्रेस है, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, प्लस में तो मल्टीप्लाई एक्सप्रेस करेंगे, 6 इंटू 5 30, ओके खत्म।
का तब ये लॉग 11 तो होगा ही नहीं, लॉग 5 और 6 तो होगा ही नहीं, तुम्हारा आंसर क्या है लॉग 13। तो टू नंबर में ये लॉग बेस में क्या देगा, 2 दे रखा और 8 है, तो क्या हो जाएगा, ये आपको तो पता है 2 के पावर क्या हो जाएगा, 3 और 3 आ गया, तो बेस बेस सेम इसका क्या हो जाएगा 3, हमारे क्या होगा आंसर होगा। जो ये छोटा मोटा आपको करने वाला मैं एग्जाम्पल में करा दिया था, जो आप मैं चाहूँगा सोच सकते हो कि हाँ ये आपके लिए जरूरत है वो करा ही दूंगा। लॉग 32/4 है, ये भी आसान है, क्या किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, लॉग 32/4 थोड़ी होगा, लॉग 32/4 बिल्कुल ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हम फार्मूला पढ़ रखे, लॉग पढ़ रखे, 2/3 तो होगा नहीं, बिल्कुल हमारा क्या होगा आंसर हो गया। आइए फोर्थ नंबर, अब ऐसे देखा लॉग ब्रैकेट देखा 1 × 2 × 3 इसी इक्वल टू क्या, ये लिख सकते हैं लॉग 1 + log 2 + log 3 या लॉग 3 लिख सकते हैं या लॉग 2 लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं, सीधी सीधी बात है। अब आइए दोस्तों फिफ्थ नंबर में, फिफ्थ नंबर तो क्या है, द वैल्यू ऑफ लॉग 0.0001 टू द बेस 0.5, इसको कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन ए दे रखा है ना, लॉग 0.0001 बेस में क्या 0.5, तो ये कितने को होगा, वो कितना आसान है, इसी का बेस के अब देखिए कितना बार आ रहे हैं इस पावर में, उतना ही हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आइए बताते हैं आपको, देखिए दोस्तों तो 0.1 दे रखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई कितने बार, 2 बार 3 बार 4 बार, 0.001 आएगा तो 4 बार, तो ये हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा फिर लॉग 0.1 0.1 के पार क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, 0.4 आ गया जाएगा, लॉग 0.1 इसको 0.1 फिर हमारा क्या जाएगा 1 4 × 1 बेस 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन सिक्स नंबर क्वेश्चन में क्या है, लॉग 2 log x = 4 लॉग 3 इतना बड़ा हुआ इतना दे रखा है, क्या x वैल्यू कितना हुआ निकालना है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी। दोस्तों आपको क्वेश्चन सही दे रखा है ना, बिल्कुल, तो आइए सोल्यूशन करते हैं क्या होगा, x के वैल्यू निकालना है तो लॉग ये 2 है उसको उधर चला स्क्वायर में चल जाएगा ना, जब ऐसे होता है ऐसे लिखते थे ना, बिल्कुल, तो ये भी इसको ऐसे लिख दीजिए, लॉग ऊपर चला गया 3 के पावर 4 में जाएगा तो कितना होगा, वैल्यू करिए लॉग x² = log 3 के पावर कितना 81 आ जाएगा, ये हमारा इक्वल में तो लॉग लगा x² कितना जाएगा 81 आ जाएगा, तो x² क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या 9 हमारा आंसर है, देखिए देखिए 9 आंसर है हमारा, बिल्कुल है। आइए सेवन्थ नंबर, ये लॉग √2/64 अभी बताया था आपको, 64 रूट के सीट हुए कितना, अगर 6 बार करेंगे यानी 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 8 बार 4 बार तो 4 बार में आ जाएगा, कितने 64 देने कितने देने 64, 8 बार में नहीं होगा तब क्या करेंगे, 10 बार में भी होगा नहीं होगा, कितना होगा 12 बार में, तो 12 यानी कि 6 बार में लेकर 2 × 3 = 4 = 5 = 6 64 आ गया, और 6 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9th में 1/81 दे, ये भी आपको सेम कर लोगे, 0.0625 बेस कितना है 2 = कितना होगा, ये भी आपका सेम करने की जरूरत नहीं है, गिवेन लॉग 2 = 0 और लॉग 2 के वैल्यू दे रखा है, लॉग 3 के भी दे रखा है और लॉग 6 के निकालना है, आइए एक नया क्वेश्चन आपको आ गया दोस्तों, आपको यही दे रखा है, बिल्कुल लॉग 2 के वैल्यू दे रखा है, लॉग 3 के लॉग 6 निकालना है, तो आइए दोस्तों कुछ करना ही नहीं, लॉग 6 की मतलब लॉग 2 मल्टीप्लाई लॉग 3 तो क्या लॉग 2 × 3 हो जाएगा, ये होगा ना, बिल्कुल होगा, मीन्स लॉग 2 + log मल्टीप्लाई कैसे करता है हमारा 8 होता है ना, बिल्कुल, तो लॉग 2 पर कितना देगा 0.3010 + 0.5, क्वेश्चन आसानी था लेकिन आपको एक बार में नहीं करा था इसलिए करा दें, अब 8 कीजिए कितना होगा 0.3010 + कितना है 0.47071 0.7781 क्या हमारा आंसर है, देखिए ए में नहीं बी नहीं सी, बिल्कुल बिल्कुल आसान है, ओके। अब आगे आइए दोस्तों, आगे आते हैं, क्या लिखा है
हाँ, द वैल्यू ऑफ लॉग टू, लॉग टू लॉग बेस में, बेस में से 16 है ये, क्या उसका वैल्यू निकालना है। ये भी करा ही देते, बहुत सिंपल है दोस्तों। हम लोग इसी का वैल्यू निकालने वाले हैं, तो आइए लॉग पहले उधर से निकालते हैं ना, ये तो हमारा बेस दे रखा है ना, बिल्कुल। लॉग ये 16 कितने के पावर होगा, 2 के पावर, बेस में होगा 2 के, तभी तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और लॉग 2 बेस में भी लॉग क्या है 2, और ये आ गया जाएगा 4 log 2/2, तो इसका 1 हो गया वैल्यू, तो ये तो चला गया। अब इसके साथ में ये आ जाएगा लॉग बेस लॉग, अब ये 4 यहाँ पर आएगा, 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, ये तो 1 हो गया ना हमारा, ये तो हमारा क्या हो गया 1 हो गया, उसके वैल्यू 1 हो गया ना, बिल्कुल 1 हो गया। अब आ गए दोस्तों, फिर लिखिए लॉग बेस में 2 है, और ये वाला 2 पावर में तो आ गया 2 log/2, ये भी इसका फिर वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये तो फिर ये इसका आ गया जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा 1, इज मीन्स हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। देखिए 1 है क्या, देखते हैं। देखिए दोस्तों कहाँ गए, ये ले हमारा वैल्यू 1। ओके, समझ आ गया ना, बिल्कुल समझ आ गया। अब आइए उसके बाद आइए 13 नंबर क्वेश्चन पर, log 1/3 बेस आ रही है, कितना सिंपल क्वेश्चन। अब ये 14 नंबर क्वेश्चन से log x + log y इक्वल टू log x + y कैन बी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करना है, बहुत इजी क्वेश्चन बना दिया आपको दोस्तों। आपको यही कह दे रखा है और कह रहे हैं वाई के, मीन्स वाई इक्वल टू कितना लिखेंगे। आइए, जब log ऐसे में दे रखा है प्लस में, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं log x * y, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये log x + y है, फिर यहाँ आया लॉग, लॉग क्या कर जाएगा ना, बिल्कुल कर जाएगा, तुम्हारा जाएगा x मल्टीप्लाई है ना x + y, मीन्स xy - y = x, ये वाला y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना दोस्तों, बिल्कुल y कॉमन लीजिए, x - 1 = x, मीन्स y = x/(x-1), ये हमारा क्या आ जाएगा, y कैन बी एक्सप्रेस एज x/(x-1) है, x/(x-1), बिल्कुल समझ आ गया। अगला एक क्वेश्चन पर, log 2 बेस में 2 log बेस में, ये सेम इसी तरह आ गया 12 जैसा, आप करना आसान, बहुत आसान है, होगा ही क्यों नहीं होगा दोस्तों, अगर नहीं होगा तो फिर कमेंट कीजिए, मैं बता ही दूंगा, क्योंकि सेम है इसलिए आपको नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि आगे आगे आपको जल्दी जल्दी बढ़ना भी है, लेकिन समझा सब रहा हूँ आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं, करा दूंगा, लेकिन आपको ज़्यादा और लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि और क्वेश्चन बचा है ना, इसलिए जो आपको सटीक तरीका है वो मैं बता रहा हूँ, उसी तरह सब करना है। वही 16 नंबर, ये देखिए 20 = 21, अब एक्स वैल्यू निकालना है, आ गया ना, इसका आ गया एक्सप्रेस करना इस तरह, ये 2 है, ये 4 है, इसका पावर बेस का पावर क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर होगा, तो 1/2 हो जाएगा, इसको 2 के पावर, सब बेस 2 2 2 मिल जाएगा, फिर आपको एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा मिल जाएगा, बिल्कुल। ये क्या लिखा है, बेस में log 10 = x, log 10 = y, तो वैल्यू log 10 = 60, 60 क्या हो जाएगा, 2 और 3 के फॉर्मेटिव तोड़ना है, 2 और 3 के फॉर्मेटिव तोड़ना है, और फिर एक निकाल देना है, नहीं हुआ तो एक आपको मैं करा दे रहा हूँ, क्योंकि इस ये तीनों एक तरह है ना, तो एक मैं करा देता हूँ। तो दोस्तों आपको यही दे रखा है क्वेश्चन में, कुछ नहीं दोस्तों, देखिए log 10 ये 16 है ना, तो 2 और 3 के फॉर्मेट में कितने से होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आइए इसको हम तोड़ते हैं फिर, मतलब 2 * 1, एक तो 2 हो गया आना पड़ेगा, और 3 आना, 2 से 6 बचे कितना 10, बिल्कुल समझ आ गया ना, log बेस में 10 है, तो 2 + log, ये मल्टीप्लाई के इसमें तो ऐड आ जाएगा ना, 10 बेस में 3 + log 10 और बेस में 10 है, तो इसके बाद कितना है एक्स है, इसके बाद कितना है प्लस वाई, और log 10 तो 1 हो ही जाता है, x + y + 1 क्या हमारा है log 60/10 हो गया, बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल मैं वो बताया था पहले ही। तो आप देखिए x + y + क्या हो जाएगा 1, ये 18 नंबर भी सेम है, आपको जैसे करा था उसी तरह करना। 19 नंबर क्या, log x = m + 1 दिया है, log y = a - a आना है, तो वैल्यू ऑफ log 10 वही निकाल के आपको ऊपर स्पूट कर देना है इसमें,
और कुछ आपको इसमें है ही नहीं। चलिए दोस्तों आते हैं कितने अब अगले क्वेश्चन पर, क्या क्या बचा है। अब ज़्यादा दो तीन क्वेश्चन बचा ही, फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये भी आपका लॉगरिथम चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर हम न्यू चैप्टर में आएंगे। एक चैप्टर के टॉपिक सब पढ़ रहे थे अब, मतलब ऐसे तो आपको एक साथ चैप्टर ही है, लेकिन जो भी बच्चे मतलब सी ए में पढ़ रहे हैं उसके लिए तो एक चैप्टर ही बस ख़त्म हुआ, दूसरा नेक्स्ट चैप्टर अब वो का शुरू होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आइए अगले क्वेश्चन क्या देखते हैं दोस्तों। आइए 20 क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना। वाह ये भी क्या आसान है दोस्तों, इतने आसान सर क्वेश्चन लोगों में आपको पता है कि नहीं था। हाँ अभी 21 नंबर क्वेश्चन है ये, आपको इंडिसेज में पता है ऐसे आपको क्वेश्चन कराए थे। हाँ उसी तरह सेम का लास्ट वैल्यू आपका आ जाएगा। लो इसका आंसर मैं अभी बता दूँ आपको, आंसर क्या होगा है कि नहीं दोस्तों, इसका आंसर तो अभी बता दूँ। लेकिन आपको करना कैसे, आपको इंडिसेज में क्वेश्चन कराए थे उसी का लास्ट में क्या आपका क्या, बस लास्ट में क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा आपको। ओके नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगा आपको, कह तो रहा हूँ मैं आपको क्या कर दूंगा, बता दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा। और आइए दोस्तों सिंपलीफाई इसको करना है, क्या आप ये नहीं कर पाओगे क्या, करा दो आपको तो करा दूंगा। चलिए करा ही देता हूँ आपको, कराने से पहले दोस्तों ये 30-23 ये दोनों बता दो फिर आपको ये करा दूंगा। ठीक है ये क्या लिखा है, द लॉग ए बेस में भी ए है, लॉग सी में भी, ये सब लॉग ए अपन लॉग वाई, बी लॉग अपन बी अपन लॉग वाई, सी लॉग सी अपन, ये सारे कर दो 1 के पावर 3 1 के पावर जितना भी कर दो क्या 1 है, ये हमारा क्या आ जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। ये तो 64 वाला कितना बार कर लिया रूट होगा, उसके बाद 2 रूट 2 है ना, कितना बार 64 है उसी हिसाब से कर लेंगे। द वैल्यू ऑफ लॉग 825 गिवन लॉग 10 के दे रखा है, ओह ये भी आप कर लोगे, बिल्कुल आसान है। अगर ये कर रहा हो ये होने के बाद नहीं हो तो ये भी करा दूंगा आपको, बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। कोई नहीं फिर आइए करते हैं, लॉग बड़ा से एक रूट है, इसमें 729 ये 4th रूट है और ये क्यूब रूट है, इसको 9 की 3 स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई, ये भी 3 करेंगे क्यूब हो जाएगा इंटू 4/3 कैंसिल हो जाएगा, यही होगा ना, बिल्कुल लॉग ये 4th रूट है, 729 है क्यूब रूट है, और ये बेस में पावर एड कीजिए, -2 और -4 बिल्कुल लॉग 4 × 729 क्यूब रूट है 4 × 6 3/-6। अभी ये क्यूब रूट क्या करेंगे अब हटा देंगे। ओके लॉग बस 4 रूट रखेंगे 729 × 3/4 ये -6 था और ये क्यूब रूट था ना इंटू 1/3 3×2 = 6 लॉग 4 × 7 ये 7 × 9 3/4 कितने बार वो आपको चेक करना है, लगे कैलकुलेटर चेक करते हैं कितने बार गया 3×3 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 में 7 × 9 आ रहा है, 3×6 × 3/4 ये क्या है -2 है ना, बिल्कुल लॉग ये 4th ये ऐसे 4 नहीं है बेस में, और 3×4 ये भी 8 की जगह 6 में से 2 गया 4। अब आइए लॉग 3×4 × 1/4 यही है ना, 4×4 क्या हो जाएगा कट जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 4×4 क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, यानी कि लॉग 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हमारा लॉग 3 आंसर है देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों क्या लॉग 3 आंसर है, बिल्कुल हमारा सही बन, कोई सारे इजी आपको बस मैं इसलिए जल्दी करा रहा था कि क्वेश्चन सारे ख़त्म करना है ना टाइम के हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा मिनट्स के वीडियो बनाएगा तो आपको बोरिंग लगा, बना देंगे आपको दिक्कत होगा तो। ये भी हो गया 23 भी हो गया 24 और 25 भी, ये भी करा दो क्या, ऐसे तो हो जाएगा कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं है। ओके दोस्तों थोड़ा मैं हिंट देता हूँ इसको,
ये निकालना है दोस्तों। आइए थोड़ा हिंट देते हैं, लॉग टू पहले देखा, लॉग टू दोस्तों ये लॉग एट के टू के पावर क्यों लिखते हैं बेस में, और फाइव के पावर क्या लिखते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका पावर है वन बाई नहीं, तो इसका वन बाई हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो टू हो जाएगा, तो लॉग फाइव बाई बेस में टू हो जाएगा, ठीक है। ये होगा ना, बिल्कुल 2/3 हो गया, लॉग फाइव हो गया, और लॉग टू कर दीजिए, छोटा छोटा कर देते हैं 2/3। लॉग फाइव का वैल्यू आपको याद होगा, नहीं दिया गया तो आपको ये याद करना जरूरी है, 0.6990 था ना दोस्तों, बिल्कुल 0.6990 था, और ये कितना लॉग टू के 0.3010। अब मल्टीप्लाई कीजिए, बात ख़त्म हो गया, 2 × 0.6990 कितना रहा, 1.3 1.398 1.398 अपन में क्या होगा, अपन में दोस्तों 3 × 0.30110 कितना होगा, 0.90 0.903। अब डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिए, आपको इतना आंसर आ जाएगा दोस्तों, ओके बिल्कुल आ जाएगा, कितना है 1.39।